अब फ्रेंड्स हम देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? आर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स एफ ए बराबर ए थीटा। ए थीटा क्या है हमारे पास? जहाँ वो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है, और ट्रांजुगेट मैट्रिक्स हमने अभी पढ़ा था, ये होता है हमारे पास ए ट्रांसपोज। अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसका पहले हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालें, यानी ए का हम ये हमारे पास ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है ए थीटा, तो इसको हम निकालते हैं ए का ट्रांसपोज। ए थीटा निकालने के लिए पहले उसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करें। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है अगर वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांजुगेट मैट्रिक्स सेम हो, तो उस कंडीशन हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी इफ एवरी आई जे एलिमेंट ए इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जे आइथ एलिमेंट, यानी कोई आई जे एलिमेंट है, ए आई जे अगर एलिमेंट है वो इक्वल हो जे आई वे एलिमेंट के इनवर्स सॉरी उसके कॉन्जुगेट के, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है वो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। ए आई जे बराबर कॉन्जुगेट ऑफ ए आई जे, सॉरी ए आई जे बराबर जे आई है फ्रेंड्स, ये जे आई है, ये ए आई जे नहीं, ये जे आई है, पहले जे है उसके बाद आई है। तो जैसे हम इसमें देखें ए के लिए तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, सी के लिए देखें, यानी ए इसके लिए देखें पहले, ये हमारे पास 1 2, इस 1 2 का हमारे पास ए 1 2 है, ए 1 2 का पहले कॉन्जुगेट निकालें, तो ए 1 2 का सी प्लस आयोटा डी, तो ये होगा सी माइनस आयोटा डी है, तो ये हो जाएगा सी प्लस आयोटा डी, ये तो ये सी प्लस आयोटा डी के बराबर है, तो ये हो गया हमारे पास ए आई जे इक्वल टू बार ऑफ ए जे आई, जिसको हम कॉन्जुगेट कह सकते हैं। तो इस तरह से हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं।